Welcome to SquareDining.com. रेंज बाउंड मार्केट जब हो जाता है, जैसे स्टॉक मार्केट का एग्जांपल ले लेते हैं, कमोडिटी का भी एग्जांपल ले सकते हैं, किसी भी तरह का ऑनलाइन स्क्रीन है, स्क्रीन बेस्ड मार्केट है, या कोई दूसरा भी मार्केट मान लो, स्क्रीन पे मार्केट आपको नजर आता है, बाकी मार्केट का जो बिहेवियर है, जो मैकेनिज्म है, वो तो ऑफ स्क्रीन भी वैसा ही होता है। तो जब रेंज बाउंड हो जाता है तो मज़ा नहीं आता लोगों को काम करने में, और उनको लगता है कि अपॉर्चुनिटीज है ही नहीं। तो लोगों को तसल्ली किस बात से मिलती है? तसल्ली मिलती है सिर्फ इस बात से कि जो कुछ भी हो रहा है उसमें मेरा कोई कसूर नहीं। तो सपोज ट्रेडिंग में फायदा नहीं हो रहा है, बाजार रेंज बाउंड है, आदमी कुछ कमा नहीं पाया, तो वो कहेगा यार बाजार ठीक नहीं था, अच्छा तुमको भी नहीं मिला, इसको भी नहीं मिला, किसी ने नहीं कमाया, तो मेरा नहीं कमाना ठीक है, अब मुझे कोई शिकायत नहीं, क्योंकि सबके साथ वही हो रहा है। तो ऐसे करते करते हम एक बुरे समय की, मंदी की एक धारणा बनाते हैं और उस धारणा को ओढ़ के बैठ जाते हैं। देखिए, बुरा समय कभी भी नहीं होता एक सही इंसान के लिए। एक इंसान अगर अवसर की तलाश कर रहा है तो उसको बुरे से बुरे समय में भी अवसर मिल जाएगा। तो जब तक आप पूरी कोशिश नहीं कर लें, तब तक तो ये बात दिमाग में आनी नहीं चाहिए कि अभी बाजार में मंदी है या बेकार है बाजार। तो अभी पिछले दिनों की बात है, जब 85-86 के आसपास निफ्टी हो गई, तो प्रेशर आ रहा है नीचे से चल के आई, कहें कि 1500-1600 पॉइंट तक उसमें कोई बड़ी गिरावट आई नहीं है। लगातार तेजी 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 होने की वजह से प्रेशर तो आएगा, तो जब ऐसा प्रेशर आता है तो हाईएस्ट लेवल पे आके वो रेंज बाउंड हो जाती है, बड़ी मुश्किल से गिरती है, बड़ी मुश्किल से बढ़ती है। तो एक्सपायरी के दिन आ रहे थे, जुलाई की बात है, निफ्टी कैसे बिहेव कर रही थी कि 8550 खुलेगी और फिर 8560 जाएगी, फिर वहाँ से 4045 आ जाएगी, फिर 55 चली जाएगी, इस 10 से 15 पॉइंट के बीच में घूम रही है। पूरा दिन इंसान देखे तो परेशान हो जाए, उसको लगता है कुछ हो ही नहीं रहा, पहले तो प्लस जाती है 10 पॉइंट, फिर नीचे आ जाती है 5-10 पॉइंट, 15 पॉइंट नीचे जाती है, फिर रिकवर करके फ्लैट होने लगती है, फिर थोड़ी सी 10-12 पॉइंट ऊपर जाती है, फिर नीचे आ जाती है। ऐसे में बहुत सारे लोगों की तो ये हालत है कि जो निफ्टी में अनलिमिटेड ट्रेड करने के शौकीन हो गए, शौकीन मीन्स सब लत लग जाती है। तो अनलिमिटेड ट्रेड मतलब अब खरीदा, एकदम नीचे आया, अरे 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 बिकवाली आई, चलो शॉर्ट करो, शॉर्ट किया, ऊपर चले गया, अरे अरे स्टॉप लॉस टूट गया, बाहर निकल जाओ, फिर लगा अब बाइंग आएगी, लगता है बाय किया उन्होंने, फिर नीचे आ गई। ऐसे करते करते 10-12 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेते लेते वो पूरे दिन में 50-60 पॉइंट बर्बाद कर देते हैं। ब्रोकरेज टैक्स ऊपर से बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो ऐसे करके निफ्टी का ट्रेड अगर अनकंट्रोल्ड है तो सबसे जल्दी आपके अकाउंट को खाली कर सकता है। कि अभी हम यहाँ जो बात कर रहे हैं वो दूसरी बात है, यहाँ पे हम ये बात करना चाह रहे थे कि गहराई से जब हमने माइन्यूट ऑब्जर्वेशन किया तो एक बात समझ में आती है कि निफ्टी का ये जो 10 पॉइंट का मूवमेंट है, हर बार किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक को उठा के लेके आता है, और जिस स्टॉक में स्ट्रेंथ है वो इन 10 पॉइंट का इस्तेमाल करके 5-5% भाग जाता है। अब उन स्टॉक्स को आप कैसे पकड़ेंगे? तो हमने आपको कई सारे टूल्स बता रखे हैं, उन टूल्स में 200 दिन के मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर हो, उन टूल्स में हाई ब्रेक करने वाले स्टॉक्स हों, या उन टूल्स में हो वॉल्यूम स्क्रीनर्स। तो वॉल्यूम स्क्रीनर्स में जब हमने देखा टॉप 4, जो भी बेस्ट स्क्रीनर्स हम आपको फोन पे क्लास में बताते हैं, तो आप टॉप 4 को देख लें, उन टॉप 4 में सेक्टर का सपोर्ट जहाँ से मिल रहा है उसमें आप पोजिशन बना के बैठ गए और निफ्टी के साथ कोरिलेट कर रहे हैं। आपको दिखता है वहाँ पे जब स्क्रीन पे लगा लिया तो ये देखते रहो कि निफ्टी के गिरने के साथ कौन कौन से स्टॉक हैं जो बहुत तेजी से गिर रहे हैं और कौन से स्टॉक हैं जो गिरने को तैयार ही नहीं है। जैसे किसी भी दिन के मार्केट में आपको ये नजर आ जाएगा कि ये पर्टिकुलर स्टॉक बाजार के गिरने में गिरने को तैयार नहीं है। जैसे आज की बात करता हूँ, 1 अगस्त का बात करता हूँ, कि निफ्टी 50-60 पॉइंट प्लस हुई, 70 पॉइंट प्लस हुई, तब पेज इंडस्ट्रीज में बहुत वॉल्यूम हो रहा था,
और जब निफ्टी नीचे आई तो पेज इंडस्ट्रीज ने जहां से चलना शुरू किया था उसके नीचे आने को तैयार ही नहीं था। समझो 14,770 से चलना शुरू किया तो 15 मिनट के अंदर वो 15,020 का हाई बना के आ गया। अब जब निफ्टी नीचे आ रही है तो वो भी आधा परसेंट नीचे आएगा, वो 4900 हो गया, फिर वो 14850 हो गया, निफ्टी काफ़ी नीचे चली गई 0.3%, 25-30 पॉइंट नीचे चली गई। तो 90-100 पॉइंट निफ्टी नीचे आई तो भी वो नीचे जाने को तैयार नहीं है, वो 600 या 500 नहीं हुआ है। और जैसे निफ्टी में थोड़ी सी रिकवरी आती 5 पॉइंट की भी तो वापस 750 से 850-900 दिखने लगता है। तो वो बार बार इंडिकेट कर रहा है कि मुझे थोड़ी सी लहर मिलेगी मैं भाग चलता है। तो 2:30 बजे के बाद जब वॉल्यूम उसमें उछाल बनाई हुआ था उसी तरह 14800 से वो 15,050 तक का उसने उछाल दिखा दिया, अच्छा खासा मूवमेंट मिल जाता है 10 शेयर में लोगों को 2,500 रुपये बन गया। ऐसे ही हम बात करें दूसरे शेयर्स की, जिंदल स्टील, जिंदल स्टील बाजार के साथ नीचे नहीं जा रहा था, मेटल सेक्टर का सपोर्ट मिला एकदम भागा, हाई तोड़ा, खरीद लिया आपने 90-91 पे जाकर बंद हो गया 83-84 से। तो आप ये देखते रहें कि कौन सा स्टॉक है जो अभी निफ्टी के साथ चलने की कोशिश कर रहा है, जो गिरा नहीं पहले लेकिन निफ्टी जैसे ही रिकवर कर रही है उसके साथ चलने की कोशिश कर रहा है, नया हाई बनाने की कोशिश कर रहा है, करीब जा रहा है, वॉल्यूम बना हुआ है। तो आप उस लहर में उसके साथ सवार हो जाओ लेकिन उसी में बैठे मत रहना। अब सीखना है हमको एक बार में वो एक स्टॉक लो, वो स्टॉक लिया उसका प्रॉफिट बुक करते गए, बाहर हो गए, निफ्टी 10-15 पॉइंट चलेगी और उसके बाद फिर वो वहीं रेंगने लग जाएगी, लुढ़क के नीचे आ जाएगी, आप खाली हो जाओ। खाली होने के बाद अब भूल जाओ उसको जिसमें आप काम कर रहे थे। ये सबसे ज़रूरी बात है कि आप जिसमें काम करके अभी पैसा बनाए उसको भूल जाओ, अलग हटाओ। अब देखो कौन सा नया स्टॉक है जो वॉल्यूम के साथ उछल के ऊपर आ रहा है, कौन सा नया सेक्टर है जो ऊपर आ रहा है और उसका फ़ायदा उठाओ। अगर कोई दूसरा बढ़ने वाला नहीं है तो क्या गिरने वाला आ रहा है कोई वॉल्यूम के साथ में, उसको देखो। क्या निफ्टी नीचे जाने की कोशिश कर रही है 10-20 पॉइंट तो उसको शॉर्ट कर दो। जैसे आज की बात करें तो पहले ICICI वॉल्यूम के साथ नीचे जा रहा था, आपने उसको शॉर्ट किया वो नीचे चला गया, या फिर आप बाइंग में लगे थे उस वक्त तो आपने दूसरे शेयर का इस्तेमाल किया और उसको ऊपर बेच के आए, तब तक ICICI की शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी आप यूज नहीं कर पाए। ICICI एक बार 260 से गिरता हुआ 256 तक आ गया, फिर जब थोड़ी सी रिकवरी आई तो 57.5 तक चला गया। अभी भी आप देख रहे हैं कि वॉल्यूम बना हुआ है और 57.5 पे जब ICICI चला गया, अब आपको लगता है निफ्टी फिर जोर नहीं पकड़ रही, नीचे जाने की कोशिश करेगी, 10 पॉइंट भी नीचे जाने की कोशिश करेगी, आप शॉर्ट कर दो। शॉर्ट करने के बाद स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट कर लिया और टारगेट को फ्लेक्सिबल रखा। होगा क्या वही जो मैं आपको पहले वीडियो में बता ही रहा हूँ कि अगर 2-3 पॉइंट नीचे गिर गया फिर आप पहलवान हो गए, अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप 1-1 रुपया स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे तो भी आपको प्रॉफिट बच जाने वाला है। डरने की वजह होती है, हम पैदा करते हैं वो जल्दबाजी से होती है। अगर आप थोड़ा ध्यान दे के काम करते हैं तो डरने की वजह खत्म हो जाती है। जिसने 56 में बेच दिया था बॉटम पे, वो 57.5 पे जब आ गया ICICI तो डरना उसका वाजिब हो गया, इतने में निफ्टी भी प्लस में आ गई तो डरना दोगुना हो गया, उसने वहाँ पर लॉस बुक किया फिर वापस नीचे आ गया ICICI। तो अगर 57.5 आने पे वहाँ धीरे धीरे बेचा था, अगर आपने, आपको नहीं पता कि यहीं पे जाके हाई बनाएगा, तो इतना तो कर ही सकते थे ना कि आप 56-50, 57-50, 58-50 की सेलिंग लगा के रखते, वो 58-50 तो नहीं गया, 57-50 तक तो आया था, तो बेस्ट रेट में सेलिंग होगी नीचे आ गया। ऐसे सारी चीज़ों का हल है अगर आप सॉल्यूशन माइंडेड है। अगर आप प्रॉब्लम माइंडेड है तो रोते गाते रहेंगे कि अरे ऐसा हो गया वैसा हो गया, क्यों आए हो यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे आए हो और इसके बिहेवियर को स्वीकार नहीं कर रहे हो तो मार्केट में आप गलत आ गए, आपको सॉल्यूशन ढूंढने हैं, वही तो काम है आपका। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि निफ्टी की उस लहर का इस्तेमाल करके एट ए टाइम एक स्टॉक रखेंगे, उसका प्रॉफिट बुक करेंगे और फिर दूसरा स्टॉक चुनेंगे तेजी या मंदी की डायरेक्शन में, उसका प्रॉफिट बुक करेंगे। सबसे अच्छा मौका मिलेगा 2:40 से लेकर 3:10 तक,
और बीटीएसटी के लिए फिर 3.25 से 3.29 तक आप स्टॉक उठाते हैं, जो अगले दिन सुबह बहुत अच्छा दिखता है। इन पे हम आगे बात करते रहेंगे। क्लास के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, और जो कुछ भी डाउट हो वो हम बात करते ही। थैंक यू वेरी मच, बाय।